चले के पत्ते में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी भी मैं सो के उठा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बिस्तर एकदम इस तरह से रखा हुआ है। तो अभी जल्दी से जल्दी मुझे फ्रेश होके वो और केटी में जाना है, क्योंकि जो है आज अंकल अपने सरसों को थ्रेसिंग करेंगे मशीन से, तो आत्मीय सहायता, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया है। तो ठीक है दोस्तों, पहले मैं प्रेस होता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। तो अभी जो है मैं प्रेस हो चुका हूँ, तो सबसे पहले मुझे जो है नाश्ता करना पड़ेगा, क्योंकि हमें खाली पे जाने से दिक्कत होगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। अभी मुझे जो है केटी में निकालना है जल्दी से जल्दी। तो केटी यहाँ से बहुत दूर है, तो मैं तो साइकिल निकालूंगा, साइकिल से थोड़ा जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ अंकल के घर पे साइकिल लेने के लिए। यहाँ पे साइकिल खड़ा है, ये देखिए। तो इस साइकिल से मैं जाऊँगा वहाँ पर। यहाँ वाह, बहुत दिनों के बाद साइकिलिंग कर रहा हूँ दोस्तों। सुबह सुबह काफ़ी मज़ा आ रहा है, अभी बहुत दिनों के बाद अभी एक्सरसाइज भी हो रहा है मुझे। वाह, आगे देखिए ना एक पप्पी जा रहा है, इतना तेजी से दौड़ रहा है। चलो चाय दे दिया हमें। लेकिन रास्ता थोड़ा खराब है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए थोड़ा खराब है, बहुत जंपिंग करता है। वाह, तो मुझे पहुँचने में शायद साइकिल से पहुँचने में मुझे शायद तो आधा घंटा लग सकता है। दूर है यहाँ से 8-9 किलोमीटर ऐसा होगा। तो दोस्तों आते आते मुझे एक नदी मिला है, तो नदी को पार होने के लिए दोस्तों मुझे जो है सबसे पहले जूते खुलना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं नदी, छोटा सा नदी है, तो मैं अपने जूते को बिगाड़ना नहीं चाहता, तो फिलहाल मैं जूते को निकालता हूँ। मैं नदी भी क्रॉस कर लिया हूँ, तो फिर से मुझे जाना होगा आगे। मैं पहुँच गया हूँ खेती पर। यहाँ पर देख सकते हैं सरसों जमा हुआ है, तो यहाँ पर मशीन लगा हुआ है ट्रैक्टर के साथ, और अभी जो है यहाँ पर हम लोग ट्रेसिंग करेंगे। ओह, यहाँ पे जो है जाली बिछा रहा है सरसों को यहाँ पे डालने के लिए, तो यहाँ से जो है हम लोग वहाँ पे मशीन में डालेंगे। तो अभी जो है मेरे ऊपर वहाँ से मजा आ रहा है। तो बहुत ऊपर आ चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये नीचे देखिए ट्रिपलिन लगा हुआ है, और वहाँ पे मिसी आंटी अंकल और ये भाई लोग। शिवो लुक यार, हमारे शाहरुख खान। ये ट्रेसिंग में से बड़ा खतरनाक है यार, यहाँ पे देख सकते हैं फेदी ट्रेसिंग ट्रेसर भी लिखा हुआ है, उसको मतलब फेदी भी मतलब ट्रेसिंग कर सकता है। ये सीढ़ी देखिए ना दोस्तों, बेम्बू से बना हुआ है। मशीन अभी जो है स्टार्ट होने वाला है, अभी हम लोग अभी काम शुरू करेंगे। मेरे चेहरे पे देखिए दोस्तों पूरा गंदे ही गंदे हो चुका है, एकदम धूल ही धूल। और कोई नहीं, कुछ थोड़ी देर के बाद थोड़ा आराम मिलेंगे, पूरा खत्म हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे। एक दो एक घंटा लगेगा शायद। हाय, देखिए सिर भी पैक दिया लोग। बहुत
काफ़ी मेहनत लगती है ये सब काम करने के लिए, और जब से ये मशीन प्रोड्यूस हुई ना आई है ना, बहुत ही मज़ा लग रहा है। मतलब सब हर किसी का काम, हर किसी किसान का काम आसान हो गया। तो दोस्तों काम तो लगभग हो चुका है, यहाँ पे देखिए क्या थोड़ी सी बचा है, यहाँ पे उधर देखिए थोड़ा सा बचा है। तो फाइनली दोस्तों पूरा मशीन भी ऑफ हो चुका है, क्योंकि जो है हमारा काम भी खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग रेस कर रहे हैं अभी। वाह, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा एकदम माउंटेन जैसा पूरा हो गया ये घास की वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी से सरसों यहाँ पे बैग में पैकिंग करेंगे इस तरह से, उसके बाद घर में ले जाएंगे ट्रैक्टर से। शिवो कैसा लगा इसका काम? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। यहाँ पे मेरे घर में जरूर बुलाएगा तुमको, अच्छा लगता है काम में, अच्छा लगा इसको। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आंटी जी ने जो है पॉप लाया है खाने के लिए। ये देखिए पॉप लाया है, तो सब लोग पॉप खाने में बिजी है। मैं सब कर रहा हूँ भाई लोग पॉप कर रहे हैं, तो मैं भी एक पीस खा लेता हूँ भाई। हाथ भी पूरा गंदे हो चुके हैं, देखिए ना हाथ पूरा गंदे है ना। तो कोई नहीं चलेगा, ये तो हमारी जिंदगी है, चलते रहता है जिंदगी का मजा, खाते रहो जीते रहो। थ्रेशिंग तो हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अभी बस्ता में डालना बाकी है। तो वो लोग आंटी लोग वो सब कुछ करेंगे, तो हम लोग जा रहे हैं बाय। और हम यहाँ पे देख सकते हैं आगे आगे मेरा कजिन लोग जा रहे हैं, तो अभी हम लोग नहा थोड़ा सा नदी में नहाएंगे, उसके बाद घर में जाएंगे। वो यहाँ पे क्या है भाई, वो पट्टा में खाना है क्या? हाँ, यहाँ पे जो है नाश्ता के लिए लाया था, लेकिन अभी जो है टाइम बहुत बचा है, तो हम लोग नाश्ता नहीं करेंगे, तो घर में जाकर ही लंच करेंगे ना भाई। ओके, और यहाँ पे भी देखिए सरसों का खेती एकदम हार्वेस्टिंग हो चुका है, ये जो है जमा करके थ्रेशिंग करना है, उसके बाद डायरेक्ट सप्लाई। पापर को तो पूरा एकदम हार्वेस्टिंग करके पूरा थ्रेशिंग भी कर लिया, शायद इन लोग बेच भी दिया हुआ। ये मेरा साइकिल है, ये साइकिल मैंने लाया था। यहाँ पे देखिए दोस्तों टूटा फूटा वो ब्रिज है, बेम्बू से बना हुआ है, तो यहाँ पे जो है आना जाना कर सकती है आदमी लोग। तो वहाँ पे नदी है, नदी में नहा सकते हैं। तो यहाँ में हम लोग, मैं तो यहाँ में नहीं नहाऊंगा, गंदे पानी से नहाने से मेरा शरीर से थोड़ा खुजली होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं नहाऊंगा। वहाँ पे देखिए वहाँ पे एक कुएं है, वहाँ से आदमी लोग पानी पीते हैं। यहाँ का जो खेती करने वाले आदमी है ना, तो उन लोग यहाँ से पानी पीते हैं। और ये देखिए अभी इसको खोल रहे हैं, ये देखिए खाना एकदम हॉटकट में लाया है। और क्या क्या है? सब्जी? हाँ सब्जियाँ, अच्छा इसमें सब्जियाँ हैं, खोल के देखो तो क्या सब्जी है। लेट्स सी, ओ ये आलू और गोभी ना, बंदा गोभी। तो फिलहाल मैं भी हाथ मुंह धो लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों पत्ते में, केले की पत्ते में ये लोग खाना खा रहे हैं। सुबह को खाना नहीं खाया क्या? अच्छा ये लोग ब्रेकफास्ट नहीं किया है, हालांकि मैंने भी किया था ब्रेकफास्ट, अभी मैं भी खाऊंगा जरूर यहाँ से। भूख तो नहीं लगा है, भूख तो नहीं लगा दोस्तों, तो फिर भी मैं खाऊंगा। वो सब्जियाँ जो है ना वो खाने का मन करा है, इसलिए मेरी तरह से खाऊंगा केले के पत्ते में। अरे बिजो भाई पता नहीं मुँह में जाते ही टच लगता है।
तो आगे आगे मैं चल दिया हूँ, तो पीछे पीछे जो है मेरे कजिन लोग आ रहे हैं। उन लोग मतलब पैदल आ रहे हैं, तो उन लोग के पास साइकिल है नहीं, इसलिए उन लोग पैदल आ रहे हैं। तो मेरे पास एक ही साइकिल है, तो यहाँ पे दो कैरी कर नहीं सकता। तो अभी जो है मैं पहुँच चुका हूँ अपने रूम पे, थोड़ा तो गया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा प्रेस हो जाता हूँ, उसके बाद मिलेंगे। तो फिलहाल मैं अंकल के घर में आ चुका हूँ लंच के लिए। हेलो करते सब लोग, हाय। तो वहाँ पे जो है अंकल आंटी लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे, वहाँ पे बात कर रहे हैं अंकल आंटी सब लोग। तो दोस्तों अभी जो है आंटी जी है वो सबके लिए जो है वो लंच के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा प्लेट में जो है थाली में खाना पूरा सब कुछ, यहाँ पे देखिए चिकन है वो यार फूल गोभी है। तो वहाँ पे अंकल लोग बैठा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग लंच करते हैं, मिलेंगे लंच के बाद। मैं तो खाना खाया हूँ, मतलब वो अपना लंच कर चुका हूँ, तो अभी जा रहा हूँ मैं अपने रूम पे। आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को अच्छा लगा तो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। तो मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।